अभी देखते हैं कि एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे दिया है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, ये देखो क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम वर्टेक्स क्यू टू अपोजिट साइड एस आर, ठीक है। एंड क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स क्यू टू अपोजिट साइड पी एस, ओके। इफ़ एस आर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब एस आर का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इज 7.6 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यू एम जो है हाइट उसका वैल्यू दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। देन फाइंड, फर्स्ट दिया क्या है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है और क्यू एन निकालना है। वाट इज क्यू एन, क्यू एन इज द हाइट दैट इज़ फ्रॉम वर्टेक्स क्यू टू पी एस, पी एस का वैल्यू अगर दिया है 8 सेंटीमीटर देन क्यू एन कितना होगा, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आंसर हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, ओके। बेस क्या है एस आर और हाइट क्या है क्यू एम, एस आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर, क्यू एम का वैल्यू कितना है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा, 12 × 76, ओके। तो कितना होगा, 6 × 2 = 12, 1 × 6 = 7, 7 × 2 = 14, 1 × 7 = 8, 2 × 7 = 11, 1 × 8 = 9, ठीक है, 912 आया, 912, क्योंकि अभी देखो डेसिमल में क्या है, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे एक डेसिमल दे दूँगा पॉइंट के बाद 1 डेसिमल, सो 91.2। और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना एरिया, तो ये अपना आंसर ए हो गया। अभी होगा आंसर बी, आंसर बी क्या है, क्यू एन वो पूछ रहा है, अगर पी एस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है देन क्यू एन कितना होगा, ठीक है। तो सेम रहेगा अपना, हम लोग अपने को एरिया मिल गया है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज। अभी एरिया में इसको भी ले सकता हूँ, बेस को, बेस किसको ले सकता हूँ, पी एस को, क्योंकि इसका हाइट ऑलरेडी अपने को निकालना है, तो क्यू एन हाइट होगा और बेस होगा पी एस, तो मैं लिखूँगा क्या, पी एस इंटू क्यू एन इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज पी एस कितना दिया अपने को 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर इंटू क्यू एन इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज क्यू एन इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर। तो अभी कितना होगा, देखो 912 / 8, 818, 1 again 1 again 1 8, 11 - 8 हो गया 3, अगेन यहाँ पे 2, सो 8 × 4 = 32, सो कितना का आ गया 114। अभी यहाँ पर भी डेसिमल के मतलब 1 डेसिमल है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पर भी मैं राइट से लेफ्ट में जाऊँगा, पॉइंट एक दे दूँगा 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 11.4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स बाय सेंटीमीटर हो जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, सो ये रहा आंसर, क्यू एन आ गया अपना 11.4 सेंटीमीटर।